मैं डिंपल शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने जन्माष्टमी स्पेशल लेके। जन्माष्टमी किस तरीके से मनाया जाए और जन्माष्टमी होती क्या है, इस पर्व की क्या खासियत है और इसको मनाने से आप किस किस तरीके से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन आपको मिल सकते हैं और कितनी इजीली तरीके से। पहले हम जानेंगे कि जन्माष्टमी होती क्या है। कृष्ण पक्ष में भाद्रपद की अष्टमी तिथि को कृष्ण जी का जन्म हुआ था, इसलिए उसे कृष्ण अष्टमी भी कहा जाता है और जन्माष्टमी भी कहा जाता है। और रुक्मिणी नक्षत्र था उस दिन जिस दिन उनका जन्म हुआ था। इस बार 23 और 24 अगस्त की थोड़ा सा मिसकंसेप्ट है कि कुछ लोग चाहते हैं 23 को मनाएं, कुछ 24 को मनाएं। 23 तारीख को अष्टमी तिथि पड़ रही है, लेकिन जो रुक्मिणी नक्षत्र है वो 24 तारीख को पड़ रहा है। 23 तारीख को सुबह 8:09 से अष्टमी तिथि शुरू होगी, जो कि 8:52 तक 24 तारीख को रहेगी। लेकिन जो हमारा रोहिणी नक्षत्र है वह 24 तारीख को 3:58 से शुरू होके 25 तारीख को 4:17 पे खत्म होगा। जो लोग अष्टमी तिथि को मान के करते हैं तो वो 23 तारीख को मनाएंगे और जिनको नक्षत्र की ज्यादा महत्वता है वो लोग 24 को मनाएंगे। वैसे 23 तारीख को मनाना अति शुभ माना गया है। तो ये हमने जाना कि एक्चुअल में मनाना किस दिन है और जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, जैसे कि कृष्ण जी का जन्म हुआ था उस दिन। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पूजा अर्चना की जाए और किस तरीके से और कौन सा भोग लगाया जाए कृष्ण भगवान को, ताकि वह अति प्रसन्न हो सके। तो जो लोग संतान प्राप्ति के लिए अगर इस व्रत को रखना चाहते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी से संतान प्राप्ति हो, सुख सुविधा के साधन बढ़ते हैं, जिनको पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है उनकी विद्या बढ़ती है, यहाँ तक कि ग्रह कलेश भी शांत होते हैं। तो जो लोग संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखना चाहते हैं तो वो लड्डू गोपाल की पूजा करें तो उसके लिए अच्छा होगा। अगर आपके घर में ग्रह कलेश रहता है और समय समय पे पति पत्नी की अगर झगड़ा होता है या फिर प्रेम संबंधों में तकरार होती रहती है तो वो राधा कृष्ण के स्वरूप की पूजा करें। जो लोग सर्व मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो वो बंसी वाले श्री कृष्ण की पूजा करें तो उन्हें जल्द ही उसका परिणाम मिलेगा। रात को 12 बजे पंचामृत से पहले कृष्ण जी को स्नान करवाएं, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाएं, फिर उन्हें गोपी चंदन लगाएं, फूलों से उनका श्रृंगार करें और उसके बाद उन्हें भोग लगाएं। माखन और मिश्री का भोग श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है, तो उसका आप भोग लगाएं और उसके बाद आप उनकी आरती करें। इस बात का खास ख्याल रखिए कि जो दीपक आप जलाएं वो गाय के घी का हो तो अति शुभ रहेगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी को गाय अति प्रिय है। इसके अलावा जैसे कि आप सभी जानते हैं, घर में जब किसी बच्चे का जन्मदिन होता है या हमारा खुद का भी बर्थडे होता है तो हमें क्या हमारे मन में रहता है कि हमें हमारी पसंदीदा चीजें मिले ताकि हम खुश हो सके, और कोशिश भी हम यही करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे कि कृष्ण जी का जन्मोत्सव है तो हम ऐसी ही चीजें उन्हें अर्पण करें जिससे वह खुश हो, हर्षोल्लासित हो और हमारी मनोकामना पूर्ण हो। आप एक मोरपंख, अति प्रिय है कृष्ण जी को मोरपंख, आप उन्हें अर्पण करें। चांदी की बांसुरी नहीं तो सादी बांसुरी भी चलेगी, वो आप उन्हें अर्पण करें। तो आप देखेंगे कि जब उनकी मनपसंद चीजें उन्हें अर्पण करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होती है। तो हमने ये जाना किस तरीके से आपको पूजन करना है और क्या आपको भोग लगाना है। अब हम जानेंगे किस तरीके से राशि अनुसार आप कौन सा भोग लगाएं ताकि भगवान आपसे अति प्रसन्न हो सके। वैसे तो श्रद्धा भाव से अगर आप 2 सेकंड भी भगवान को याद करते कृष्ण जी को तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन फिर भी राशि अनुसार आप अगर भोग लगाते हैं तो वो अति उत्तम रहेगा।
सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले अगर अनार का भोग लगाते हैं तो उनके लिए अति शुभ होगा और अच्छे परिणाम आएंगे। अगर हम बात करें वृषभ राशि की तो वृषभ राशि वाले खीर का भोग लगाइए तो उन्हें के लिए अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वाले हरी मिठाई का या हरे फल का भोग लगाइए। वहीं अगर हम बात करें कर्क राशि वालों की तो कर्क राशि वाले पंचामृत का भोग लगाएं तो उनके लिए शुभ होगा। सिंह राशि वाले अगर आप गेहूं से बनी थुली बनाएं गुड़ मिश्रित तो आपके लिए अति शुभ होगा। वहीं कन्या राशि वालों के लिए हरे फल का अगर आप भोग लगाते हैं तो वो अति शुभ होने वाला है। तुला राशि वाले रबड़ी का भोग लगाइए। वहीं वृश्चिक राशि वालों की हम बात करें तो आप अनार का भोग लगा सकते हैं। धनु राशि वालों की अगर हम बात करते हैं तो उन्हें केसर युक्त अगर खीर आप अर्पण करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। मकर राशि वाले अगर हम बात करें तो घेवर का भोग लगाइए। कुंभ राशि वाले मालपुए का भोग लगा सकते हैं। उधर मीन राशि वाले अगर केले का भोग लगाएं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। इस तरीके से हमने जाना किस तरीके से आप राशि के अनुसार भोग लगा के अपनी मनोकामना सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखिए कि आप अपनी राशि के अनुसार तो भोग लगाएंगे ही, उसके अलावा जो कृष्ण जी का जो अति प्रिय भोग है उसको लगाना ना भूलिएगा। कई बार मन में दुविधा होती है, कुछ लोग के मन में संचय होती है कि नहीं, कुछ लोग ज्यादा मात्रा में चीजें एकत्रित नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप सच्चे मन से सिर्फ दो तुलसी के पत्र का भी भोग लगाएंगे तो आपके लिए शुभ परिणाम जरूर मिलेंगे। तो आज हमने जाना किस तरीके से आप अपनी जन्माष्टमी मना सकते हैं और आपके कार्य सिद्ध कर सकते हैं। अब हम आपको एक विशेष जानकारी देना चाहेंगे कि जैसे कि आप जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो आप मोस्टली क्या बोलते हैं, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप जय श्री कृष्ण बोलते हैं तो सामने से आपको रिप्लाई आता है जय श्री कृष्णा। इस बात का ध्यान रखिए कि उसमें कृष्णा बोलते हैं। या फिर कई बार आप लोगों को भी कोई जय श्री कृष्ण बोलता होगा तो आप रिप्लाई में जय श्री कृष्णा बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जो ये कृष्णा शब्द है ये द्रौपदी जी को नाम दिया गया था कृष्णा। कृष्ण अलग है एंड कृष्णा अलग है। आप देखें जब द्रौपदी जी का स्वयंवर हुआ था उस समय कृष्ण भगवान भी वहां पे आए थे और जब उनकी द्रौपदी जी के पिताजी ने कृष्ण भगवान से उन्हें मिलाया तो कृष्ण जी ने द्रौपदी जी से पूछा कि आपको कैसा वर चाहिए। तब द्रौपदी जी ने उनको आंसर दिया कि मुझे आपके ही जैसा वर चाहिए। तो कृष्ण जी बोले मुझ जैसे श्याम रंग को तुम पसंद करोगी। तो वो एक मिनट दुविधा में आ गए और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें मुझसे भी सुंदर, मुझसे भी कौशल वाला मिले तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा होगा तो मैं उनसे ही विवाह करूंगी। तब कृष्ण जी ने बोला जाने अनजाने में ही सही, एक क्षण के लिए तुमने मेरा वरण किया है तो आज से तुम्हें कृष्णा भी बुलाया जाएगा। तब से द्रौपदी जी का एक नाम कृष्णा भी पड़ गया। तो इस वजह से अब आप जब भी कोई आपसे जय श्री कृष्ण बोलता है तो रिप्लाई में जय श्री कृष्ण ही बोलिए, कृष्णा नहीं, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। और भी नई जानकारी के साथ हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। नमस्ते।